नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज आप सामने में देख रहे हैं एक पाउडर। ये पाउडर जो है एक चटनी पाउडर है, बट ये चटनी पाउडर काफ़ी हेल्दी है। आप इसको कभी भी लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। ये पाउडर मैं बनाकर स्टोर करना और उसे कैसे एक परफेक्ट तरीके से चटनी बनेगी वो भी मैं बताऊंगी। ये हैं अलसी के बीज, जी हाँ, जिसको हम तीसी भी बिहार में कहते हैं। देखिए, अब इन अलसी के बीजों को मुझे क्या करना है, एक गरम फ्राई पैन में मैंने अलसी के बीजों को साफ करके इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ ड्राई रोस्ट होगी और इतनी अच्छे से रोस्ट होगी कि ये चटकने लगेगी, तब हम समझेंगे कि अच्छे से बन गई है। सब लोग कहते हैं सर्दी में अलसी को खाना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि आप अगर गर्मी में भी अगर इसको ना बिल्कुल बैलेंस डाइट के रूप में संतुलित मात्रा में खाएंगे ना, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको आप डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप हल्का रोस्ट करके जब खाते हैं तो इसका एक डाइजेशन में भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने लगभग 10 से 15 मिनट में इसको अच्छे से भून लिया है, और अलाउ टू कुक मतलब कि इसको आप थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो चलिए, अब इन सब फ़ायदे बनाने के बाद अब हम चलते हैं कि हम अपनी चटनी कैसे ड्राई रोस्ट करके बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने गार्लिक को छीला नहीं है, इसको जस्ट वैसा ही गार्लिक अपने स्किन के साथ रहने दिया है, और है इसमें लाल मिर्च। देखिए, इस तरह से अगर हम छीलते नहीं है ना, तो बाद में अगर हम इसको छीलेंगे तो एक तो ये अच्छे से रोस्ट भी होगा और इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो बस इसको निकाल के रख लिया है और इसको भी हम हल्का ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने मिक्सी के जार में अलसी के बीजों को डाल लिया है और इसमें मैंने लहसुन और मिर्च भी डाल ली है, और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और इस ग्राइंडिंग में मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी और कुछ भी नहीं। ये देखिए, इस तरह से ग्राइंड हो जाना चाहिए, मतलब तो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा टुकड़ा टुकड़ा भी नहीं रखना, अच्छे से दरदरा पीस लेना है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि इससे हम चटनी कैसे बनाएंगे हमेशा। चलिए, तो हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और एक टेबल स्पून का मेजर संतुलित मात्रा में एक व्यक्ति के लिए है। तो देखिए, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है अलसी का बीज, 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। चॉप किया हुआ कच्चा प्याज है, हरी मिर्च है, थोड़ा सरसों का तेल है, नमक स्वादानुसार, और है नींबू का रस। और कुछ भी मैंने मसाले नहीं डालने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको भूना था पहले, तो आपने देखा था उसमें लहसुन और मिर्च थी। थोड़ा पानी मिला के इसको मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ। थोड़ा पानी ज़्यादा ही मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ देखिए, इस तरह का होना चाहिए। आप इस तरह से बना लीजिए और ज़रूरत पड़े तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। लगभग आधे घंटे के लिए आप इसको ढक के छोड़ दीजिए। जी हाँ, चटनी बनाने के आधे घंटे के बाद ही आपको इसको कंज्यूम करना है। ये देखिए, इस तरह से ये बन गई है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा सूखी हुई दिखती है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको चटनी के फॉर्म में कर सकते हैं। ये चटनी पेट के लिए तो फ़ायदेमंद होती ही है, गर्मी में इसका बहुत अच्छा असर होता है, पर बहुत ही संतुलित मात्रा में आपको इसको खाना है। इस तरह से आप पार्टीज फंक्शन में भी एक नए रेसिपी के रूप में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको स्टोर करके रखिए और जब भी मर्जी हो आप इसे अच्छे से बनाइए। फ्रेंड्स, किचन एक्सपर्ट कॉर्नर पे आपको ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।